इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द जेनिक बैलेंस थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये ब्रिज ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सेक्स होता है वो रिलेटिव नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो रेशियो हम निकल के हमारा आएगा उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो सेक्स है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ड्रोसोफिला का जो वाई क्रोमोसोम था वो हेट्रोक्रोमेटिक था और एक्टिव नहीं था सेक्स के डिटर्मिनेशन में। तो जो सेक्स रेशियो निकलेगा, सेक्स इंडेक्स रेशियो जो होगा, उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स। तो एक्स अपॉन ए हो गया। अब जीन की जो मेल की फर्टिलिटी होती है वो वाई क्रोमोसोम के ऊपर लोकेट करती है। ठीक है, हमारा अगर रेशियो हमारा 0.5 निकल रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि मेल ही पैदा होगा। अगर रेशियो 1 निकलेगा तो फीमेल पैदा होगी। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो सुपर फीमेल और 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनिक बैलेंस थ्योरी। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।